शाहीन बाग का जो प्रदर्शन है वो अब खत्म करवा दिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। सुबह सुबह कार्रवाई हुई और पूरा जो टेंट जो लगा हुआ था 101 दिनों से उसको खाली करवा दिया गया। अब ताजा हालात क्या है, गलियों में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ में कुछ लोग हैं, किस तरह से जो है सुबह सुबह कार्रवाई हुई और अब आगे क्या देख रहे हैं हम? गली में भाग भाग का आ रहे, हम तो अपने घरों में ही हैं, बाहर को खड़े हुए हैं तो गाली बक रहे, डंडे बजा रहे, गलियों में भाग रहे पुलिस वाले। ये कौन सा कानून है बताइए? तुमने हटा दिया, कोई बात नहीं, देख तो रहे तमाशा, कुछ तो नहीं कर रहे, खड़े हैं, डंडे तो नहीं, हम तो नहीं, उन्हें कोई बीमारी नहीं आ रही। 10,000 से 5,000 तकरीबन फोर्स है यहाँ पे, तो उसके लिए कोरोना वायरस नहीं है, है सिर्फ पब्लिक के लिए कोरोना वायरस है। कल से कोरोना वायरस खत्म ही हो गया, सोचो आप, मोदी ऐलान आज शाम में ही कर देगा कोरोना वायरस है ही नहीं, आप लोग अब अपने अपनी दुकान खोल सकते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए वहाँ पे जितनी फोर्स खड़ी हुई है, कोई भी सही सटीक मास्क में नहीं है और एक साथ 10, 20, 50 खड़े हुए हैं, उसके लिए कोई कोरोना नहीं है, आम पब्लिक के लिए कोरोना है। असल ये मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को इस देश से भगाने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग दिल से NPR को बायकट करते हैं और इस काले कानून को भी बायकट करते हैं। हम इस देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं मानते कि इस देश का वो प्रधानमंत्री है, क्योंकि मेरे वोटर कार्ड से वो प्रधानमंत्री बना है, वो मेरे वोटर कार्ड को नहीं मानता, मैं इस देश का प्रधानमंत्री उसको किसी कीमत पर नहीं मानता। तो अब जो है आगे क्या देख रहे हैं आप लोग? तो अब आगे जो है क्या, अब दोबारा से प्रदर्शन जो है दोबारा खड़ा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मोदी जो ये सब कर रहा है उनके लिए कोरोना वायरस नहीं है, पब्लिक के लिए कोरोना वायरस है। मोदी जो ये सब कर रहा था क्यों कर रहा था? लोगों का जान लेने के लिए। मोदी कह रहा था अच्छा कर रही हूँ, वो अच्छा कर रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा था किसी का। वो सरकार तो कह रही है कि कोरोना वायरस का डर है, एहतियात के तौर पर आप अपने घरों के अंदर रहिए, बाहर नहीं निकलिए। वो झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल झूठा है, बेईमान है, झूठ बोल रही है, मोदी बेईमान है, झूठा है, बिल्कुल वो झूठ बोल रही है। अब आगे क्या देख रहे हैं, दोबारा से क्या प्रदर्शन दोबारा से होगा? जरूर होगा इंशाल्लाह, दोबारा होगा। वो कितना दिन ऐसे करके रहेगा? आज निकल के बड़ी संख्या में जो है लोग अभी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है गलियों के अंदर, और ऐसा नहीं है कि फोर्स नहीं है, फोर्स भी बड़ी संख्या में फोर्स है, लेकिन फिर भी जो है लोग यहाँ पर हैं। और लोगों का कहना है कि सुबह सुबह जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, और लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो बदतमीजी की गई है प्रदर्शनकारियों के साथ में, इसीलिए जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें नाराजगी भी है। और क्या कहेंगे, दोबारा से जो है क्या प्रदर्शन अब शुरुआत होगी दोबारा से? अरे ना, कुछ शुरुआत हो या ना हो, हम अपनी पल्लू कह रहे हैं अपने घरों में जाओ बस। देखिए ये लोगों की तरफ से एहतियात बरता जा रहा है कि लोग जो है इस वक्त खड़े ना हो और अपने अपने घरों को जो है वो लौट जाए, ये लोगों की तरफ से जो है एहतियात बरता जा रहा है। बहरहाल बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सुबह सुबह जो कार्रवाई हुई है और उसके बाद में यहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं उनका जो आरोप है, बड़ा संगीन आरोप है कि पुलिस ने जो है वो हमारे साथ में बदतमीजी की है, बदसलूकी की है, और उसी का जो है लोगों में नाराज़गी है। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि दोबारा से जो है अगर ये सरकार जो है CNRC को वापस नहीं लेगी तो दोबारा से भी जो है वो प्रदर्शन की जो है शुरुआत हो सकती है। हाँ, क्या कहेंगे कि दोबारा? बिल्कुल जरूर करेंगे, दोबारा शुरुआत हम करेंगे और पक्का करेंगे, जरूर करेंगे। ये क्या सुबह 7 बजे हम सोने क्या चले गए, उन्हें मौका मिल गया? ये क्या तरीका, पूरी रात हमने जगा, हमें बोला गया पुलिस वाले आएंगे, हमने कहा कि हम कोई नहीं हम करेंगे, अभी वो हाथ उठाने उठा किस चक्कर अभी वो हमें क्या देते कि भाई कुछ दिन के लिए समाप्त कर दो, हमने 5 लोगों को छोड़ दिया, हमने कहा 5 लोग बैठे रहो तुम, उन्होंने हमसे जैसा कहा हमने वैसा किया, हम घर तक चले गए, हम दूर दूर चले गए, हमने पब्लिक कम कर दी, क्यों कर दी आपने, हमने आपकी बात मानी इसलिए कम कर दी, लेकिन आपने तो हमारा प्रोटेस्ट ही हटा दिया, ये गलत बात है आपकी, हमारी सारी मेहनत पानी में चली गई, हम तो 3 महीने 10 दिन बैठ गए, इतने दिन तक इंतजार करा, अब फैसला आएगा, अब फैसला आएगा, जिस दिन फैसला आना था उस दिन कोर्ट बंद करवा दिया, कर्फ्यू लगवा दिया, और आज ये कर रहे हो आप, ये बहुत अच्छी दिखा रहे हो, है ये बहुत अच्छा कारनामा इन लोगों का। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना का डर है, याद रखिए आप, कोरोना डर नहीं है, सुनिए हम लोग पुलिस वाले इकट्ठा होंगे, बजा तुम्हारा कोरोना नहीं है, और पब्लिक 10 खड़ा हो जाए तो उन्हें कोरोना जरूर पकड़ लेंगे, हैं पुलिस वाले इकट्ठा हो रहे हैं, मौका चाहिए कि ये प्रोटेस्ट किसी ना किसी हो जाए तो आदमी तो कोरोना पूरा फैल जाते हैं, इतना कोरोना उन्हें भी तो कोरोना पकड़ सकते हैं, खाली हमें ही कोरोना पकड़ेंगे, कोरोना से पकड़ना होता ना
तो अब तक कितनी जगह फैल चुका होता है, यहाँ इतनी पब्लिक चलती है, उन्हें अभी बंद। केजरीवाल ने अब तक हमारे बता रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो सरकार का जो गाइडलाइन था कि एक एक मीटर के हम तक दस दस मीटर के डिस्टेंस में बैठा, पांच ही लेडीज बैठी थी, जेंट्स को भी अलाउ नहीं कर रहे थे। पुलिस वाले ने बोला था कि ठीक है आपका प्रोटेस्ट चलता रहेगा, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। पहले तो खाली करवा लिया कि पब्लिक को मत आने, तो बैरिकेड लगवा लिया, और उसी बैरिकेड का वो फायदा उठा, क्या काम किया, सुबह आए 6:30 बजे और पब्लिक को जाने नहीं दिया, भारी पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दिया। तो हमारे साथ आगे क्या हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हम करेंगे, बिल्कुल जारी रहेगा, हटना नहीं चाहिए, रहेगा तो रहेगा प्रोटेस्ट रहेगा, चाहे इसके हटने के बाद भी रहेगा, रुकेगा नहीं, चलेगा तो चलेगा। भाई 7 बजे मेरे को पुलिस इंस्पेक्टर से अल हबीब मस्जिद के पास बात हुई थी और उन्होंने बोला था कि आप लोग 5 बंदे चल फिर सकते हैं, 5-10 बंद लेडीज वहां बैठ सकते हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो 12 बजे के रात धोखे में। अब बाबा आगे क्या देख रहे हैं आप? आगे के लिए रणनीति बनेगी सर, रणनीति बनेगी। अब वो अपने में बात विचार करके 31 तक का बोला, 31 के बाद सर हटा रहो आप, आगे के पालन करना है, जो भी गवर्नमेंट ने रूल लगाई है ठीक है, क्या पब्लिक को हट के रहना है, घरों में रहना है, घर में सब रहेंगे ठीक है, जब तक कर्फ्यू नहीं हटेगा, जब तक ये खत्म नहीं होगा क्या कोरोना वाला मैटर, तब तक हम इस चीज के रूल फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा। प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा अभी, अभी तो फिलहाल खत्म है, मगर प्रोटेस्ट आगे कंटिन्यू होगा बाद में, फिलहाल हमें गवर्नमेंट का साथ देना है ठीक है, हर इंसान को घर में रहना है, बस ये हमारी मैसेज है। एक मिनट, हम घर में रह तो रहे थे, आपको संडे को कर्फ्यू लगा था, हम घर में थे, एक बार भी हम यहाँ धरने पे नहीं आए थे ठीक है, जो लोग रुक गए हम अपने घर पे थे। उसके बाद जब मंडे आया, नेक्स्ट डे हम आए ठीक है, ट्यूजडे पूरी रात हम रुके हैं, सुबह हमने कहा चलो घर पे बच्चे देख ले रहे हैं, बच्चों का क्या हाल है क्या है, हम थोड़ी देर सो भी लेंगे, सुबह पता चल रहा है कि तो हटा दिए, क्या है ये, सुबह 6 बजे 1 घंटे के अंदर, और अभी आई हूँ, उससे पुलिस वाले ने पूछा बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने कल हमारा घर उजाड़ दिया आपने, हम देख रहे हैं, कह रहे चलो पुलिस में चलो तुम्हें जेल में बंद करते हैं, ये क्या था, उन्होंने हमसे सवाल किया, हमने जवाब दिया, गलत जवाब दे दिया, नहीं जवाब तो नहीं, अभी लड़कों पे डंडे बजाए जा रहे हैं, क्या है ये, क्या तरीका है ये लोगों की जो है ये भावना है, क्या क्या देख रहे हैं, आगे क्या रहेगा रास्ता, आगे क्या रास्ता रहेगा, जब तक काला बहाना लेके खाली करवाया, अरे बीमारी का बहाना लेके लेडीज उठाई है ना इन्हें, इनका अल्लाह दर देगा, देखो इनका क्या हसर होना बनेंगे। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों का साफ तौर पर ये है कि अगर पुलिस वाला को का बीमारी नहीं पड़ेगा, हम सब इकट्ठा होगा तो बीमारी है, उसके लिए बीमारी नहीं, हम सबके लिए बीमारी है, 5000 के हम सबके लिए बीमारी नहीं, हम 5000 के तादाद में फौज है, और आज 37 मरीज आज कोरोना से ठीक हो गए, आज 37 को हमने जब 22 तारीख को हमने प्रोटेस्ट बंद कर दिया था, 22 तारीख को हमने प्रोटेस्ट बंद कर दिया था ना, बंद करने के बाद जब हम लोग शांति घर में बैठे थे तो बम कहाँ से आया था, वहाँ पे पेट्रोल बम कहाँ से आया था, एक मिनट शांत वहाँ बम कहाँ से आया था, क्या हम लोग का साजिश था उसमें, जब पुलिस हम लोग पे ध्यान रख रहे हैं तो बम लाने पे ध्यान नहीं रख रहे थे, और वो जो भागा खुले मैदान में क्या उन्हें पकड़ नहीं सकता पुलिस वाले, है ये कहाँ से है, इनका जवाब है पुलिस वालों के पास, इनका जवाब नहीं है, अगर हम लोग कुछ करते हैं एक आदमी हमें घर तक ढूंढ के निकालेंगे। ये तमाम जिस बातें हैं 101 दिनों से लोग जो है वो यहाँ पर कह रहे थे, और आज भी जो है शाहीन बाग के लोगों के जो सवाल है उन सवालों का जवाब जो है वो आज भी निरुत्तर है, सरकार की तरफ से शाहीन बाग के लोगों की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि सरकार की तरफ से कोई हमें आए यहाँ पर आए हमारी बातें सुने और हमारे को लिखित में जो है वो आश्वासन दे, हालांकि बीच में एक बार अमित शाह जी की तरफ से जो है कॉल दी गई थी कि आप आइए और हमसे बात कीजिए, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ की महिलाओं ने जब यहाँ से कूच किया तो उनको वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। बहरहाल अब जो है 101 दिनों के बाद में शाहीन बाग के जो प्रदर्शन जो टेंट वगैरह वहाँ पर लगा हुआ था जहाँ पर महिलाएं इकट्ठी होती थी उसको हटा दिया गया है, अब आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या दोबारा से शाहीन बाग के लोग जो है वो ये कोरोना वायरस का प्रभाव जो है वो खत्म होने के बाद दोबारा से इस प्रदर्शन को जो है वो खड़ा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो इस बात की तकसीद कर रहे हैं कि जैसे ही कोरोना वायरस का प्रभाव जो है वो कम होगा दोबारा से अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो दोबारा से जो है हम अपना प्रदर्शन जो है वो दोबारा से शुरुआत करेंगे, ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है प्रदर्शनकारी यहाँ पर कह रहे हैं।
बहरहाल अब कोरोना को लेकर के जिस तरह से कर्फ्यू जैसा माहौल जो है, और अब जो है कर्फ्यू की जो ऐलान जो है वो भी आधिकारिक रूप से हो सकता है कुछ ही देर में कर दिया जाए, तो कर्फ्यू के बाद में, कोरोना के बाद में यहाँ पर जो है प्रदर्शन जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन ये लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही कोरोना का प्रभाव कम होगा हम लोग दोबारा से सड़कों पर उतरेंगे, अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगी तो। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।